चालू है अरे बंद है चालू है अरे भूल मत कर बंद जाएगा भूल मत हैप्पी दिवाली सर हैप्पी दिवाली सर हैप्पी दिवाली I came here to wish Amir. Amir is like a brother to me, his family to me, and he's a fantastic actor. He's a great producer, and मैं उसकी हर picture देखता हूँ और उसके लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हर उसकी पिक्चर कामयाब हो. आज मैं पिक्चर नहीं देख पाया लेकिन दिवाली के बाद यही लाइट बॉक्स में देखूँगा. करण सर
Wonderful experience, absolutely fantastic. Fantastic film for a new director. He's written it himself. Everybody's performed fantastically. The new girl, every actor. Absolutely brilliant. We wish more such films are made. And thanks to Amir, we are going to see such films in future too. I hope he keeps up doing such good films. I'm speechless. It's a wonderful movie. It is about mother and daughter. And this film is all for mothers and daughters. And fantastic. And hats off to Amir. Happy birthday. क्या हुआ? I have to just say कि it's been a really long time जब since I've cried like this in a film. बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत ही इमोशनल फिल्म है और फनी भी है. एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच. सीक्रेट सुपरस्टार इज ऑल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड पैशन, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, सो एवरीबडी शुड मस्ट वॉच. आमिर खान इज़ अ जीनियस. मैंने उनसे कहा है कि आई थिंक ही इज़ द फनीएस्ट पर्सन अलाइव. ही इज़ सो गुड इन द फिल्म. बट एक्चुअली मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी, आपको फिल्म जाके देखना चाहिए. बट ही इज़ जस्ट अ जीनियस बिकॉज ऑल्सो ही इज़ फाउंड अ फिल्म लाइक दिस एंड ही इज़ पुशिंग द डायरेक्टर अद्वैत. फैबुलस जॉब फॉर हिज फर्स्ट फिल्म. इट्स जस्ट अनबिलीवेबल.
I think that Meri Pyari Ammi, that's a beautiful song. Abhi the songs, I don't know the full names, but when you see the film, sare gaane itne khoobsurat hai because they all go with the film, you know, the picturization, and it is very, very beautiful. I'm here, I'm going to go home and sleep. I'm going to shoot tomorrow, but tomorrow I will party with Diwali. Happy Diwali! Picture, I think, अब तक की जो मैंने पिक्चरें देखी हैं साल की, आई थिंक ये साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है. आई मीन आई कॉन्ट गेट ओवर इट स्टिल. अभी इतनी इमोशनल है, इतनी खूबसूरत है, हंसाती है, रुलाती है, परफॉर्मेंसेज आर आउटस्टैंडिंग. आई थिंक इट्स वन ऑफ द प्राउडेस्ट फिल्म आई हैव सीन. आमिर खान ने हमेशा अपना कमाल दिखाया एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, लेकिन इस फिल्म की जो एक्सपीरियंस है वो कुछ और ही है. सबका काम टेरिफिक है और ये डायरेक्टर अद्वैत जो है, आई थिंक बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस. इतनी खूबसूरती से उसने फिल्म को पिरोया है, इस फिल्म को ब्लेंड किया है इमोशनली, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी इस फिल्म को बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा श्रेय मिलेगा. आई लाइक द एंटायर एवरी बिट ऑफ दिस फिल्म इज़ ब्यूटिफुल. आई रिक्वेस्ट एवरी वन कि इन सब, ये बहुत खूबसूरत दिवाली ऑफरिंग है और सब जाके अपने परिवार समेत ये फिल्म को देखें. और सब लाइक हाँ एब्सोल्युटली फैबुलस. और जी नहीं बिल्कुल, जब मैं मतलब इस फिल्म में थोड़ा सा कैमियो किया और फेल्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द फिल्म, और मैं तभी भी इतना अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी टचिंग फिल्म, इतनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही होगी ये फिल्म. और आई थिंक हर डिपार्टमेंट में, हर चीज़ में कमाल की फिल्म हुई है, जिस तरह की एक्टिंग हुई है. और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पूरे फिल्म में, इट्स म्यूज़िक बेस्ड फिल्म, अगर वो गानों में वो बात नहीं होती तो फिर मतलब सीक्रेट सुपरस्टार नहीं बनती. सो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो गोज़ टू अमित त्रिवेदी, कौसर मुनीम, द वंडरफुल वॉइस दैट गर्ल, जो बच्ची गाई है, शी इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस. वाकई में लगता है कि एकदम दिल से आवाज़ आई है और इट्स सो वाकई में अच्छी. ये गाने मैं जब ऐसी ऑडियो सुन रहा था उतना शायद समझ में नहीं आया मैं हूँ कौन, बहुत अच्छा लगा था बाकी गाने, लेकिन अब जब फिल्म में देखा सो एब्सोल्युटली परफेक्ट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल. ऑफ कोर्स शक्ति कुमार इज किलिंग इट. और हाँ जी अभी उनके बाद एक्टिंग के बारे में अब छोटी में बड़ी बात हो जाती है, उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन जो उनका तो कमाल है ही और बहुत अलग कैरेक्टर प्ले किए हैं और टिपिकल लाउड ऐसे मतलब काफ़ी दो तीन कैरेक्टर्स मन में आ रहे हैं कि कौन हो सकते हैं ये बाय द वे, लेकिन इट्स नॉट क्लियरली एनीवन. लेकिन इवन मोर देन दैट जो मम्मी का रोल प्ले किया है, डैडी का रोल, इंसिया का रोल, एब्सोल्युटली फैबुलस. चिंतन तो सुपर हिट कैरेक्टर है, तो बहुत मज़ा आया. थैंक यू सर. Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates.